नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मूवी चस्का में। और हम हमारी सीरीज टॉप 5 रिकमेंडेशन को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 3 लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 5 रिकमेंडेशन में सबसे पहला है लव टुडे, जो कि नेटफ्लिक्स पर आया है और ये रिलीज भी हुआ था। और ये नेटफ्लिक्स पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा हर लैंग्वेज में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये रीमेक बनाने वाले हैं हिंदी में, और किसी भी अच्छे एक्टर को ले लेंगे और रीमेक बना देंगे, आपको प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन नहीं बाबा, इस पे नेटफ्लिक्स पर एक बार जरूर देखना और थोड़ी सी जुगाड़ मारोगे तो हिंदी में भी ये मिल जाएगा, अच्छी डबिंग है हिंदी वाली भी। इसकी स्टोरी इस प्रकार घूमती है कि एक लव स्टोरी है, दो लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं। लड़का लड़के के बाप के पास जाता है, कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बाप बड़ा दिमाग से खेल चलाता है और दोनों के फोन जो है वो एक्सचेंज कर देता है। आपको लग रहा है बड़ा आसान है, वो बोलता है कि 24 घंटे आप एक दूसरे का फोन चलाओ, अगर फिर भी लगता है कि तुम शादी करना चाहते हो तो तुम शादी कर सकते हो। और इस बार बाबा जो ऑडियंस के साथ खेला गया है ना, हर 10-15 मिनट में ट्विस्ट एंड टर्न इसमें देखने को मिलते, मजा आ जाता है। जो कि आज की ऑडियंस को देख के बनाया गया है कि अपने फोन में कितनी सीक्रेट चीज होती है जो अपने ही पार्टनर को हम बता के नहीं रखते हैं, वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। और इसका फर्स्ट हाफ जितना आपको हंसाता है उतना ही सेकंड हाफ आपको इमोशनल भी बनाता है। हाँ, कुछ फॉल्स इस फिल्म में है, लेकिन बाबा एक बार इसको आप जरूर देख सकते हैं और आपको ये मूवी काफी मजा देगी। बात करते हैं सेकेंड रिकमेंडेशन की। बॉलीवुड की तरफ से एक फिल्म आई है जिसका नाम है गोविंदा मेरा नाम, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई है। और इसके हिसाब से जितना मैं इसका एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि गोविंदा जी का नाम लिया गया है तो कुछ उसमें उसका टच या उनका मिक्सचर दिखाया जाएगा गोविंदा जी को लेकर, बट वैसा कुछ नहीं है। ये मूवी मुझे सरप्राइज करती है और कसम से इसकी जो स्टोरी लाइन है वो पुराने टाइप से लिखी गई है और वो मजा लाती है। विकी कौशल एज ऑलवेज अपनी एक्टिंग में बढ़िया काम करते हैं, भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी और जो साइड कैरेक्टर जो यूट्यूबर की एक्टिंग है वो देखने आपको काफी मजा आएगा, खासकर वो काम वाली भाई, मुझे उसका कैरेक्टर काफी अच्छा लगा। इसकी स्टोरी आपको फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो बता सकती है, लेकिन जैसे इसका सेकंड हाफ मर्डर वाला कांड स्टार्ट होता है उसके बाद फिल्म में मजा आना स्टार्ट हो जाता है। और बाबा क्लाइमेक्स में मजा ही आ जाता है। स्टोरी अच्छी है, इसके अंदर एक्टिंग अच्छी है, गाने भी ठीक ठाक है और कैमियोज है। इसके अंदर रणवीर कपूर का है, गणेश आचार्य का है और डायरेक्टर्स के हैं, जो कैमियोज आपको देखने में अच्छे भी लगेंगे और फिल्म आपको पूरा मजा भी देती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है, मात्र 2.5 घंटे की फिल्म है और एक बार तो आप इसे देख ही सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन नंबर 3 की, जो कि वेब सीरीज है और इसे मैंने देखा है अमेजोन की मिनी टीवी पर, जो कि फ्री में अवेलेबल है। अलख पांडे पर बनी वेब सीरीज फिजिक्स वाला, जो कि 6 एपिसोड में बनी है, उसके 45 मिनट एक एक घंटे के एपिसोड है, काफी लेंदी एपिसोड है, लेकिन उसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो काफी आपको कनेक्टेबल बनाएगा। ये सीरीज एक यूट्यूबर टीचर के ऊपर बनी है जो फिजिक्स वाला है और अब उनके 9 मिलियन से ऊपर के सब्सक्राइबर भी हैं और उनकी खुद की ऐप भी है जो कि अनएकेडमी को टक्कर देती है। उनकी लाइफ पर, उनकी बायोपिक पर बनी है और इसके अंदर भी मिर्च मसाला भरा गया है। जैसे एमएस धोनी में उनके भाई को ही नहीं दिखाया था, वैसे इसमें भी कुछ चेंजेस करे गए और खुद फिजिक्स वाला अलग पांडे ने कहा है कि ये बायोपिक है लेकिन थोड़ा मिर्च मसाला जैसी बॉलीवुड फिल्म बनाती है वैसे इसे भी बनाया। लेकिन भाई साहब, इसका अगर सिर्फ सेकेंड या थर्ड एपिसोड को स्किप करके आगे 4th, 5th, 6th देखा जाए तो ये सीरीज काफी बढ़िया है और आपको काफी अच्छा एंजॉयमेंट देती है। एक स्टोरी बताती है कि कैसे अलग पांडे ने अपनी टीचिंग की स्टार्ट करी, कैसे वो अपने आप को एक अच्छा टीचर बना पाए, वो अपना रियलाइजेशन कर पाए। उनकी एक लव स्टोरी दिखाती है जो कि उसका पार्ट अगर स्किप कर दिया जाता या थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखाता थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन पूरा एक एपिसोड वो काफी लंबा हो गया था। उसी के बाद में अगर इसके 3rd, 4th, 5th एपिसोड है जो कि वो कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कैसे वो अपनी ऐप बनाई, कैसे उनकी दूसरी एजुकेशन कंपनियां उनको बिठाना चाहती थी और उनके साथ क्या क्या होता था, ये सभी स्टोरी हमें अलग पांडे की देखने को मिलती है। जो कुछ मिर्च मसाला डाल के बात करें अगर एक्टिंग की तो काफी ठीक ठाक काम किया है एक्टर्स ने। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भाई साहब एक्टर है ये चंदन प्रभाकर तो नहीं है, क्योंकि एज इट इज सेम शकल इनकी लग रही थी शुरू वाले एपिसोड में, लेकिन इनका श्रीधर और ये काफी बढ़िया एक्टिंग भी इसने की है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अलग पांडे की जो वीडियोस हम अभी देखते हैं वो काफी मजाक या और कॉमेडी वे में है करके बनाते हैं, लेकिन एक भी एपिसोड में उनकी हंसी उस प्रकार की नहीं दिखाई गई जो कि मुझे कनेक्टेबल नहीं लगा। वैसे काफी लंबी सीरीज है लेकिन इसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स वाला का करियर देखा है तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा, मुझे तो काफी ठीक ठाक लगी ये वेब सीरीज। हाँ, लंबी जरूर है लेकिन एक बार तो आप इसे देख ही सकते हैं। रिकमेंडेशन की हम बात कर लेते हैं, जो कि
टीवीएफ का शो पिक्चर्स 2 जो कि बहुत समय बाद आया है। और अगर आपको नहीं पता है तो टीवीएफ ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल था जो कि बड़े बड़े एपिसोड बनाता था और वेब सीरीज उसने लॉन्च की थी यूट्यूब पर। और आज उसका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, इतनी बड़ी कंपनी बन चुका है कि अब हर एक ओटीटी को वो अपनी सीरीज बनाकर बेच रहा है। जो उसके पुराने सीजन यूट्यूब पर फेमस थे अब वो नेटफ्लिक्स, एमेजोन प्राइम, मिनी टीवी, Z5, डिज्नी, सभी जगह वो अपने सीजन दे रहा है। और इस बार पिक्चर सीजन 2 Z5 पर आया है जिसके 5 एपिसोड है और 45 से 47 मिनट की इसकी लेंथ है। और इसकी कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां पर इसकी कहानी खत्म हुई थी। और अगर आपने पिक्चर सीजन 1 नहीं देखा है तो मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक बार आप जरूर इस पिक्चर सीजन 1 को देख लेना, क्योंकि पिक्चर सीजन 1 अगर नहीं देखोगे तो इसके अंदर इतनी कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक छोटा सा अगर मोनोलॉग आपको देना चाहूं तो इसका मोनोलॉग ये है कि ये 4 दोस्त हैं और ये अपनी कंपनी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और ये अच्छी जॉब पर बैठे रहते हैं, फिर भी इनके अंदर चुल होती है कि ये अपना स्टार्टअप करे। और इस सीजन में उन्होंने अपना स्टार्टअप कर लिया है, प्रगति कंपनी बना ली है और वो अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा अगर मिस किया है तो जीतू भैया को, और जीतू भैया सेंटीमेंट है इस सीरीज के। लेकिन अगर एक केमियो दिखा दिया जाता ना तो मजा आ जाता, सिर्फ उनकी हर एपिसोड में बातें ही होती है लेकिन वो दिखते नहीं क्योंकि आजकल वो पंचायत जादूगर ये सभी सीरीज खेल रहे हैं, शायद नहीं आए हो लेकिन टीवीएफ वाले ला सकते थे। अगर बात की जाए एक्टिंग की तो काफी बढ़िया एक्टिंग करी है नवीन, पा सकते हैं। बात करते हैं अगली रिकमेंडेशन की जो कि है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई मलयालम की फिल्म तरफ से जया 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 है, जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और जो कि एक फीमेल की कहानी को बताती है। एक लड़की है जिसकी फैमिली उसे पढ़ाने में कम और उसकी शादी कराने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। ये फिल्म मात्र 4 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने 40 से 45 करोड़ रुपए कमाए थे। ये हिंदी में नहीं लगी थी, अक्टूबर में लगी थी, लेकिन हिंदी में अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुकी है। और आपको एक बार अपनी वाइफ के साथ इसे जरूर देखना चाहिए, फैमिली के साथ देखोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। एक मॉरल वैल्यू, एक फीमेल के सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे कि वो सिर्फ शादी के लिए नहीं बनी, वो अपनी पढ़ाई भी कर सकती है, अपने लिए भी कुछ कर सकती है। और ये फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है कि जो सिर्फ मैं हम करने वाले हैं, ये फिल्म है जो अंडरस्टैंड कर सकता है उनके लिए है। और ये फिल्म भी काफी शानदार बनी गई है जो कि मलयालम की तरफ से आती है। और इन फिल्मों को देखकर आप अपना वीकेंड, अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा एंजॉयमेंट पा सकते हैं। अगर ये फिल्म आप देखोगे तो आपको काफी मजा आने वाला है और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के पहले मैंने और भी वीडियोस ऐसे बना रखे तो उन्हें भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।